खबर बैराब प्रखंड के सरकारी अस्पताल से है, जहां मंगलवार की सुबह महिला नसबंदी शिविर के दौरान पंजीयन को लेकर जमकर हंगामा हो गया। दरअसल नसबंदी शिविर में 30 महिलाओं के ऑपरेशन किए जाने थे, लेकिन अस्पताल में 150 से ज्यादा महिलाएं नसबंदी ऑपरेशन कराने पहुंच गई, जिसके बाद व्यवस्था गड़बड़ा गई। यहां ऑपरेशन के लिए पंजीयन को लेकर मेल नर्स रघुराज ठाकड़ और आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी शर्मा के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आशा कार्यकर्ता ने अपने पिता के साथ मिलकर मेल नर्स रघुराज ठाकड़ के साथ चप्पल से मारपीट कर दी। अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। बाद में अस्पताल स्टाफ के साथ बैराट थाना पहुंचकर मेल नर्स से मारपीट की और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी शर्मा और उनके पिता माताचरण शर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। बैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या विवाद हो गया था यहाँ पे? विवाद ये हुआ था कि सर केस बैठे थे रात के 2 बजे के आगे, करीबन सभी लोग बैठे थे, तो मेरे मतलब जो केस बैठा था तो उसके नंबर नहीं डाला हाथ पे, तो मैंने पूछी मैंने कि क्या, मैंने डॉक्टर साहब से पूछी मैंने सर, तो बोले नंबर तो डल गए हैं अब, तो मैंने कि सर अगली बार कब डलेंगे, अब तो डल गए तो हम जा रहे हैं, अब आप अगला टाइम दे दो। तो जो रघुवर धाकड़ है उस वो बोला कि मैं कोई टाइम नहीं है, मैंने सर ऐसा थोड़ी है, टाइम तो देना पड़ेगा आप, क्या जो पूर्ति हो चुकी है 30 केस हो चुके हैं, तो अगले के कब आप कितने टाइम से भरोगे, 2 बजे से भरोगे 3 बजे से भरोगे? तो इनने बोली कि नहीं कोई टाइम नहीं देगा, तो मैंने देखो सर मैं आपसे बात नहीं कर रही, अरे कि मुझे धाकड़ कहते हैं कहीं, मुझे धाकड़ कहते हैं ऐसा पैसा सर मानने आ गया, मुझे पूरी आशा पूरी झूठ बोल रही था सबसे, कोई क्यों नहीं भरा मैं सर, है बदतमीजी कर रहा, गाली दे रहा, बहन की लोड़ी कमी नहीं गाली दे रहा है? ये बात हुई है सर उल्टी, हमने तो केवल टाइम ही पूछा था, हम ये नहीं कह रहे कि आप आज ही कर लो, केवल टाइम पूछा था सर, और सर टाइम से अगर वो भरा हो तो कोई उल्लड़ नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। आज जो आपके साथ अभद्रता हुई है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? हमारे भ्रष्ट अधिकारी को आदेश है जो 30 केस करना है, हमें जो पंजीकरण कागज दिया था तो हम अपने फॉर्म भर के भरने आए थे, अपने महिलाओं के जन्म चले थे तो फॉर्म भराए थे, तभी रश्मि शर्मा आई थी तो वो कह रही थी कि हमारा फॉर्म भरना है मरीज का, उसका केस करवाना है। मैंने बोला बहन जी कि अभी केस आप 30 नंबर हो चुके हैं पूरे, अगले कैंप को आपका केस करवा लेना है, क्या नहीं हमारा तो होगा नहीं, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, इसलिए ऐसे गाली गलौज करने लगी और चप्पल उतार के हमको चप्पल मारा और चप्पल भी होगा जो गाली गलौज हुई, उसके पिताजी आए, उसके पिताजी आने के बाद उनके हाथापाई भी हमारे साथ में, उनके 2-4 लोग भी आए थे साथ में, उन लोगों ने हमारे साथ आता भी उसकी हाँ थाने में भैया कमाया।